किसी सरकार में आज तक दम नहीं हुई कि किसी को बिना पैसे के आवासीय योजना दे दी जाए। हमारा एक नेता दूसरे की बुराई करता, दूसरा तीसरे की बुराई करता। उस गुलाम को गुलाम रखने के लिए एक वर्ग रिसर्च कर रहा है कि इन गुलामों को गुलाम कैसे रखा जाए। बीजेपी हारे या जीते, आप अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करें। कोई भी पार्टी आपसे वोट मांगती है, आप अपने एजेंडा पॉइंट को पूछिए कि आपके लिए पिछले 10 साल में जो नुकसान हुआ है, क्या वो राजनीतिक पार्टी उसको पूरा करेगी? क्या उनके एजेंडा पॉइंट में एजुकेशन है? और यदि नहीं है तो उनसे कहिए कि अपने एजेंडा पॉइंट में ये बिंदु लेके आए, तब हमारा वोट मिले। साथ ही साथ जो आज मंच सजाया है, ये पिछले 3 साल की मेहनत के बाद आई शेल कंग्रेचुलेट मिस्टर बालकराम बौद्ध, हिज टीम, मिस्टर आर्या एंड इंजीनियर साहब, जिन्होंने इसको बहुत कोशिश करके और बहुत ही निष्पक्ष रूप से सजाने का प्रयत्न किया है। और इसके पीछे विचारधारा 3 साल बात करने के बाद बनी, 3 साल बात करके इस निष्कर्ष पर निकले कि हम ऐसा मंच बनाना चाहते हैं कि पूरे बहुजन समाज को जोड़ें, कनेक्ट। और जो काम हमारे पूर्व में छोड़ा गया है, हम उसे आगे बढ़ाएं, न कि हम उसकी कमियां निकालें। आगे बढ़ाने का काम किया गया। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये ग्रुप जो इस मंच को लेकर आए हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और फाइनेंशियली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग दें, ये बहुत आगे जाएगा। शायद जो सपना देखा है, जो एक विजन है, ये पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देगा आपके सभी का। आप सभी का सम्मान तभी है कि जब आप एक हैं। यदि आप एक नहीं है तो सम्मान नहीं है। आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो आप एक नहीं है। आपको अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना, और वो मेंटेन कब होगी कि हम आपस के मतभेद को भुला के एक रहे। हमारे बहुत सारे साथी बोले, बहुत सारी बातें कही, तो ब्राह्मणिकल फोर्सेस ने हमारे बहुत सारी चीज़ों को बदलने का प्रयत्न किया है। हमारे साथी प्रायः बोलते हैं एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। मैं उन्हें करेक्ट करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो कहा है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और इसका एक मीनिंग है, ऑर्गेनाइज नहीं। मेरे बहुत सारे साथी बोलते हैं, यहाँ पे भी मैंने सुना, मैं किसी की कमी नहीं निकालता, क्योंकि शायद गंभीरता से सोचा नहीं है, इसलिए ये बात निकल के आती है। करेक्ट है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। और एजुकेट का मतलब क्या है? शिक्षित बनो, बनाओ मत, खुद के लिए कहा है बाबा साहब। इसका डिक्शनरी मीनिंग है शिक्षित बनो। प्लीज टेक नोट, अपने को शिक्षित करें और दीपक से दीपक जलाएं। अभी और हमारे एक साथी कह रहे थे कि अजात शत्रु ने तथागत से पूछा कि लक्ष्मी को कैसे जीता जाए। अजात शत्रु ने आनंद तथागत रूप से नहीं पूछा, सिंह सेनापति ने आनंद से पूछा था कि लक्ष्मी राज्य को कैसे जीता जाए। और सिंह सेनापति की बात को आनंद ने जब बनते भिक्कू से पूछा, तथागत बुद्ध से बताया था कि ये 7 बातें यदि भिक्कू लक्ष्मी संग करता है तो कोई नहीं हरा सकता, और कोई हरा पाए, सिंह सेनापति नहीं हरा पाए। वो 7 बातें आपके संग में यदि हैं, शायद इसके लिए सबसे बड़ा जो जाता है श्रेय वो भिक्षु संघ को जाता है, तो वो ये समाज में 7 बातें फैलाएं, किस तरह से समाज को एक रखा जाए। बुद्ध ने सब कुछ कह दिया, सब कुछ कराए, लेकिन हम सही जगह पहुंचा नहीं पाए। एक हमारे साथी कह रहे थे कि बाबा साहब ने आगरा में ये बोला, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के भाषण को पढ़ें जरूर, उसमें मिक्सिंग की जरूरत नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एंड ओरिजिनल राइटिंग्स ऑफ बाबा साहेब, जरूर पढ़ें। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्या होगा, मिक्स करके और बात अर्थ का अनर्थ और बनाते चले गए। मेरा सही सहयोग इस मंच पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके सहयोग से बाबा साहब का लिखा हुआ लेखन, मूल लेखन यहाँ की एक कमेटी ने पूरा अध्ययन किया है, और उसके बाद तथागत बुद्ध
भारत भूमि की जहां जहां गए हैं वहां पे वो लोग गए हैं, बाबा साहब के चरण जहां जहां पड़े वो वहां गए हैं, किसी की कमी नहीं निकालना चाहते और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते। ये आगे बढ़ेगा, आगे कौन बढ़ेगा, ये बाबा साहब ने कहा है। विचारधारा कब आगे बढ़ती है, जब विचारधारा नेचुरल हो, यदि प्राकृतिक नहीं है तो वो नहीं आगे बढ़ेगी। आपकी पूरी विचारधारा, आपका ज्ञान नेचुरल है। नेचुरल क्या है, बाबा साहब ने कहा था समतामूलक समाज की स्थापना। समतामूलक समाज की स्थापना करना एक नेचुरल प्रिंसिपल है, उस नेचुरल प्रिंसिपल को आगे बढ़ाना। आपने देखा वो दूसरे लोग जिन्हें आप कहते हैं कि 3,000 वर्ष से आपको गुलाम बनाए पड़े, वो एक अननेचुरल कॉज पर काम कर रहे हैं, अप्रकारित कॉज पर काम कर रहे हैं, और वो 100 साल से भारतवर्ष में रिसर्च कर रहे हैं कि इन गुलामों को गुलाम कैसे रखा जाए। उस गुलाम को गुलाम रखने के लिए एक वर्ग रिसर्च कर रहा है, लेकिन क्या कारण है कि वो सफल है, क्योंकि उनका डिवोशन बहुत ही ऑनेस्ट है। हमारा डिवोशन नेचुरल कॉज के लिए ऑनेस्ट नहीं, हम अपने नेचुरल कॉज के लिए एक ऑनेस्ट डेडिकेशन जिस दिन लेके आ जाएंगे, शायद हम बहुत सफल हों। आपने देखा हमारा एक नेता दूसरे की बुराई करता, दूसरा तीसरे की बुराई करता। हम लोग अम्बेडकर मिशन के सिपाही हैं, हम अम्बेडकर मिशन में बाबा साहब के मिशन को पूरा करने आए हैं, हम किसी की बुराई करने नहीं आए। यदि उन्होंने अच्छा किया तो एक बिंदु पर छोड़ के चले गए या जाने वाले हैं, छोड़ देने दो, हम उससे आगे बढ़ाएंगे। किसी का काम कम नहीं, बहुत बार किया है। एक हमारे प्रजापति जी के इतना काम किया है कि धरती पे कोई कर नहीं सकता। एशिया में पहला कंट्री था जिसमें एक बिना पैसे की आवासीय योजना आई, पहला कंट्री था। वो कोई पैसा नहीं लगा, किसी सरकार में आज तक दम नहीं हुई कि किसी को बिना पैसे के आवासीय योजना दे दी जाए, और वो कांसीराम साहब के नाम से योजना आई। शायद हम लोग भूल गए, इसको भूलने याद करें, एक 5 साल के पीरियड में 200 यूनिवर्सिटी बना दी और कई 100 कॉलेज, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बना दी। इस शिक्षा के कार्य को छोड़ा न जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लोग जुझारू हैं, काम करने वाले हैं, वो काम करें कर रहे हैं। उसी में हमारे बालक राम बोध जी और साथी लोग जुड़े हुए, इन्होंने आगे लेने की बीड़ा ली है। बंते करुणाकर जी से मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी संघ में जाएं तो कुछ चीज़ों का टेस्ट करें। हालांकि बहुत ही योग्य भिक्खू, कोई योग्यता में कमी नहीं, और उनसे ही अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस जरूर करें। वो हर जगह न जाएं, क्योंकि हर जगह जाने से हमारी एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी का नाश हो रहा है, और एनर्जी को एक जगह करना पड़ेगा। और आखिर में मैं आपसे सर से कहूँगा, क्योंकि टाइम कम है, यहाँ पे गौतम जी भी बैठे हैं, SS गौतम को छोड़ा नहीं जाए। इनकी विचारधारा बहुत ही प्रखर, बहुत ही प्रखर विचारधारा है। कबीर उस काल में थे तो हमारे गौतम जी इस काल में, इनकी बात को कभी नहीं छोड़ा। मैं एक आखिर में बात कहना चाहूँगा कि आपके समाज की एक आइडेंटिटी बनी है बाबा साहब के मूवमेंट के नाम से, उस आइडेंटिटी को ये कह के न मिटा दें कि BJP को हराने के लिए हम कांग्रेस को वोट दे दें। BJP हारे या जीते, आप अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करें, अपनी आइडेंटिटी मत भूलिए, आपकी आइडेंटिटी बहुत आवश्यक है। और कोई भी पार्टी आपसे वोट मांगती है, आप अपने एजेंडा पॉइंट को पूछिए कि आपके लिए पिछले 10 साल में जो नुकसान हुआ है, क्या वो राजनीतिक पार्टी उसको पूरा करेगी, क्या उनके एजेंडा पॉइंट में एजुकेशन है, क्या उनके एजेंडा पॉइंट में एम्प्लॉयमेंट है, क्या उनके एजेंडा पॉइंट में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए कोई बिंदु है। और यदि नहीं है तो उनसे कहिए कि अपने एजेंडा पॉइंट में ये बिंदु लेके आए, तब हमारा वोट मिले। हमारे अपनी अस्तित्व है, सामाजिक अस्तित्व है, बांसेप के द्वारा, SSD के द्वारा, समता सैनिक दल के द्वारा, इसको भूल न जाए। समता सैनिक दल को जितना मजबूत हो सकते करें, हर जगह मजबूत करें, बांसेप के सिद्धांतों को मजबूत करें। बांसेप कुछ भी हो गया हो, लेकिन उसके सिद्धांत ध्यान रखना, वही संस्था चलती जिसके सिद्धांत हुआ करते। आपके सिद्धांत है, अम्बेडकरवादी जितने भी मंच हैं उनके सिद्धांत होना चाहिए, उन्हीं पर वर्क करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, प्लीज डू नॉट लूज योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ें, आइडेंटिटी बनाएं, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करके किसी को जिताएं और हराएं नहीं।
हारना जीतना नहीं है, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखना है। और जीतेगा वो जिसके नंबर 35 से ज्यादा होंगे। आपके नंबर कितने हैं? आपके नंबर 20 है मानो, 35 कैसे करोगे? घर में बैठ के करोगे, रिमोट से करोगे या युद्ध करोगे? इसके लिए कार्रवाई चल रही है। हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, हमारे पास नहीं जाते, उसको भी कोई काम किया जाएगा, करेंगे। इसी तरह के मंच बनते रहेंगे, काम चलते रहेंगे। 26 नवंबर 1922 को पहला सम्मान समारोह गाजियाबाद में किया गया था, यह भी सम्मान समारोह है, ये चलता रहेगा और मजबूती से चला जाएगा। और हर चीज़ के लिए सिद्धांत बनाए जाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, आइडेंटिटी पर वर्क करें। मेरी बहनों ने बहुत अच्छा योगदान दिया, इन्होंने बहुत अच्छी चेतना संबंधी बातें कहीं अपने गानों के माध्यम से, सभी बधाई के पात्र हैं। और जो बोलेंगे आगे, जो बोल चुके हैं, सभी को भी बधाई देना चाहता हूँ। जिन्होंने जिस तरह से संघ को मजबूत करने की बात की है, मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी को। और मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ बालक राम बौद्ध एंड टीम को कि ये कारवा रुकेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच, जय भीम। थैंक यू सो मच सर।